खासकर अनमैन रेलवे क्रॉसिंग को लेकर भी आपने अपना लक्ष्य रखा था। देखिए मैं जब आया अनमैन लेवल क्रॉसिंग लगभग 4,500 थे, एक ये बात है सितंबर 2017 की। और मैंने पहली ही मीटिंग में जब अलग अलग कारण देख रहा था क्यों दुर्घटनाएं होती हैं, तो अनमैन लेवल क्रॉसिंग एक सीरियस कारण था। मैंने उस दिन निर्देश दिया कि अगले गणपति तक, यानी इस साल सितंबर तक, 2018 तक मुझे ये शून्य चाहिए। नोकझोंक चलती रही अधिकारियों के और मेरे बीच। उन्होंने कहा साहब, रेलवे के पूरे इतिहास में, और रेलवे का तो इतिहास 160 साल का है, इतिहास में आज तक कभी भी 1100-1200 से ज़्यादा हमने अनमैन लेवल क्रॉसिंग को ख़त्म नहीं किया, या मैन करके या अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज बना के। मैंने कहा ठीक है, पहले नहीं होता होगा, पर अब हमें चाहिए कि एक साल में इसको शून्य करें। पहले 4-6 महीने तो थोड़ा नचीलापना था, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ नहीं मेरे रोज दबाव डालने के बावजूद। अप्रैल में मैंने एकदम सख्ती से सबके साथ मीटिंग करी और अप्रैल में मैंने कहा जो ये काम में सफल नहीं होगा, मैं अब एक्शन तो रेलवे में कुछ ज़्यादा ले नहीं पाते, पर मैं अब मैं क्या करूँगा मैं नहीं बता सकता, पर मैं ऐसा करूँगा कि आपका आगे आपको मज़ा नहीं आएगा काम करने के लिए। स्वाभाविक है, अगर कोई नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में डाल दो किसी को दूर दराज को, नॉट दैट दे आर बैड ऑफिसर्स, पर एक सडनली किसी को आप बड़े शहर से उठा के चेंज कर दो मिड टर्म, तो पूरी रेलवे देखती है कि ये एक प्रकार से पनिशमेंट है। और थोड़ा बहुत सख्ती भी की और थोड़ा प्यार भी किया। जिन लोगों ने अच्छे टारगेट्स अचीव किए थे उनको प्रोत्साहन दिया, उनको रिकग्नाइज किया। तो ये कैरेट एंड स्टिक अप्रोच से आपको जान के खुशी होगी कि अप्रैल 2018 से सितंबर 2018 मात्र 6 महीने में 3,000 से अधिक अनमैन लेवल क्रॉसिंग, यही रेलवे के अधिकारी, यही रेलवे की व्यवस्था, जो 1100-1200 से ज़्यादा किसी साल में कभी नहीं किया, 6 महीने में 3,000 लेवल क्रॉसिंग बंद किए। उसमें भी सितंबर 1 महीने में 1705, एक ही महीने में। तो क्षमता भारत में बहुत है, और ये रेलवे नहीं, हर क्षेत्र में क्षमता है। हमारी कोशिश है, और मोदी जी इसके ऊपर बार बार बल देते हैं, हमारी कोशिश है गेट द बेस्ट आउट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इंडियंस एंड इंडियन कैपेबिलिटीज पार एक्सेलेंस, वो विश्व में हमारे जैसा कोई नहीं है, इतना हमें विश्वास है। और जैसे जैसे ये क्षमता हमारी बाहर आ रही है, जैसे जैसे लोगों को हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं, लोग कल्पनात्मक विचार लेके आ रहे हैं, असाधारण काम कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि ये गति से जब भारत तेज गति से दौड़ेगा तो भारत का भविष्य उज्जवल भी है, सुरक्षित भी है। और मैं समझता हूँ चाहे रेलवे हो, चाहे रोडवे हो, चाहे इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, हर प्रकार से हम कनेक्टिविटी देते हुए नए भारत की जो कल्पना है 15 अगस्त 2022 तक हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा बदलाव जो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं अपने घर पे दे सके, इसमें हम सब पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। और कोहरे को लेकर हमारी क्षमता कब तक बढ़ सकती है, क्योंकि उसके सामने बेबसी कब। मैंने अभी अभी गाड़ी में आते हुए पार्लियामेंट में बुधवार को एक प्रश्न आने वाला है इसके ऊपर, अभी अभी उसी को अप्रूव किया है। एक कोहरा एक ऐसी चीज है जिसमें सिग्नल दिखता नहीं है, और सिग्नल नहीं दिखने के कारण ट्रेन की स्पीड बहुत स्लो करनी पड़ती है, क्योंकि सिग्नल पास हो जाए तो आगे एक्सीडेंट का भी रिस्क रहता है। आगे चल के हमने जो लॉन्ग टर्म प्लान किया है वो मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि ये समस्या मुझे विरासत में मिली है 2014 में, वर्षों तक किसी ने इस पर काम नहीं किया। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सिग्नलिंग सिस्टम है, आजकल जापान में मॉडर्न सिग्नल्स हैं, यूरोप में हैं, यूरोपियन को बोलते हैं ETCS, उसका भी Level 2 अभी आ गया है, Level 3 पे काम चल रहे हैं। अब हम भारत में भी शोध कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं भारत के इंडिजिनस सिग्नलिंग सिस्टम जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हों, उसमें ट्रेन एक दूसरे से बात करेंगे कंप्यूटर द्वारा, तो सिग्नल के ऊपर डिपेंडेंस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और आगे चल के इससे कैपेसिटी भी ट्रैक की बढ़ेगी, ज़्यादा ट्रेनें ट्रैक पे रह सकेंगी, क्योंकि डिस्टेंस एक बार मेंटेन हो गया जिससे ट्रेन रुक सके तो ज़्यादा गाड़ियाँ आएंगी ट्रैक पे। अगर कोई आगे गाड़ी खड़ी हो और सिग्नल आएगा कि गाड़ी खड़ी है,
तो ऑटोमेटिक बिना ड्राइवर के ब्रेक लगाए गाड़ी रुकना शुरू हो जाएगी, स्लो डाउन होगी, तो सुरक्षा भी बढ़ेगी। तो ये प्लान तो हमने बनाना शुरू कर दिया है। इसके ऊपर मेरी स्वयं की 3-4 मीटिंग है विश्व की सभी सिग्नलिंग कंपनियां और 3 भारतीय कंपनियां जो शोध कर रही हैं इनके साथ मेरी हो चुकी है, विभाग की तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो ये तो हम लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं, जो मुझे लगता है 4-5 वर्षों में हम लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च के रेलवे को सुरक्षित भी बनाएंगे, कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे और फिर फॉग में लेट होने की समस्या परमानेंटली खत्म हो जाएगी। तब तक के लिए हमने एक फॉग पास डिवाइस डेवलप किया है। ये फॉग पास डिवाइस ऐसा है जो ड्राइवर को बताता रहता है कि सिग्नल कितनी दूर है, तो वो तेज गति से आ सकता है और जब सिग्नल का समय आ जाए तो उसे स्लो डाउन करना पड़ेगा सिग्नल देखने के लिए। ये एक प्रकार से इंटरिम मेजर के रूप में डेवलप कर दिया गया है। शायद 6-7 हज़ार फॉग पास डिवाइसेस जो फॉग के एरियाज हैं साधारणतः उत्तर भारत के और पूर्वी भारत के उसमें लग चुके हैं। 6,000 और फॉग पास डिवाइस हमने ऑर्डर प्लेस कर रखे हैं, तो इस साल समस्या पिछले साल से कम होगी और लगभग अगले साल तक समस्या काफ़ी हल हो जाएगी। लेकिन परमानेंट सोल्यूशन तो जब सिग्नलिंग सिस्टम चेंज।